दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना ई इनरोलमेंट नंबर से, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने इनरोलमेंट नंबर से। तो सबसे पहले आपको करने के होगा, तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेनी है। तो गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे जो सर्च बार मिलेगा, सिंपली आपको सर्च बार पे सर्च करनी है UIDAI। तो मैं जो स्टेप बताऊंगा उसे फॉलो करें। तो UIDAI सर्च करने के बाद आपके यहाँ पे आधार कार्ड जो ऑफिशियल साइट है UIDAI.gov.in, फर्स्ट जो लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको गेट आधार का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करने के होगा, यहाँ पे जो डाउनलोड आधार लिखा हुआ है, सिंपली आपको डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। तो डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे वेलकम टू माई आधार का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार का, फर्स्ट ऑप्शन। तो सिंपली आपको डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। तो डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे अगर आप अपने आधार कार्ड से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं, आधार का नंबर, या अगर आप अपने एनरोलमेंट आईडी से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको एनरोलमेंट आईडी देना है। तो यहाँ पे ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 28 डिजिट एनरोलमेंट नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पे 28 डिजिट तो आपके एनरोलमेंट नंबर नहीं होती, तो इसे यहाँ पे 28 डिजिट किस तरीके से देना है मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका जो आधार कार्ड का जो अपडेटेड जो स्लिप है, वहाँ पे आपको 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। तो सिंपली आपको जो 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है उसे आपको देना है। तो 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर देने के बाद आपके यहाँ पे करना क्या होगा, आपके आपने जिस भी साल को किया था, अगर आप अपने 2022 में किया था तो सिंपली आपको 2022 देना है। 2022 देने के बाद आपको अपने महीना चूज करनी है। तो मगर अपने फरवरी पे किया है तो 02 देना है, अगर आप मार्च पे किया है तो 03 देना है। तो उसके बाद आपको करना आ गया होगा आपने कौन सी डेट पे किया था, मतलब अगर आपने आज किया था तो आज का डेट देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करने क्या होगा, कौन सी टाइम पे किया था, तो हावर मिनट और सेकंड देना है। तो आपने कौन सी आवर पे किया था, उसके बाद कौन से मिनट पे किया था, ध्यान से देना है, वो जो स्लिप है स्लिप को देख कर ही आपको देना है, सेकंड पे ठीक से देना है। तो इसे देने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा मिलेगा, तो कैप्चा को आपको फिल करना है। तो मैं पहले से अपने जो इनरोलमेंट नंबर है कॉपी कर रखा, तो मैंने पेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद आपके यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा को फिल कर दिया है, तो मैं कैप्चा को फिल कर देती हूँ। तो कैप्चा को फिल करने के बाद आपके यहाँ पे जो सेंड ओटीपी लिखा है, सिंपली आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा शायद गलत दिया है मैंने, तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वहाँ पे एक ओटीपी में जाएगा। तो उसको ओटीपी देने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आपको करने का होगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, जो माई आधार का वेलकम टू माई आधार का जो पेज है उसके नीचे आ जाएंगे। उसके नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिट्राइव EID और आधार नंबर। तो सिंपल आपको रिट्राइव EID और आधार नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो पूरा नाम है इसे देनी है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो पूरा नाम देने के बाद उसके नीचे आपको आधार, आपको यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस को देना है। तो मैं यहाँ पे दे, तो आधार या आधार का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, तो आपको यहाँ पे कैप्चा मिलेगा। तो कैप्चा को सिंपली आपको ध्यान से देख के फिल कर देनी है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर पर एनरोलमेंट आईडी जो है भेजा जाएगा। तो आज के जो साइट है इस पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आधार का साइट पर प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आप मैं जो स्टेप बताऊँ उसे फॉलो करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा, मतलब एनरोलमेंट आईडी से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना है, कैप्चा फिल करनी है, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, उसके बाद जो ओटीपी है यहाँ पे देनी है, उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। सो गाइस, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to.